जो लोग जूम से देख रहे हैं, जो लोग गूगल मीट से देख रहे हैं, प्लीज कंफर्म कीजिए। ये जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट किया था हमारे, जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट से इसमें वीएस कोड में क्या सब चीज़ें चेक करना है और देखते हैं आज उसके आगे का पार्ट। ये सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट मेरे का पार्ट क्या सब होगा, काफी डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन में मैंने आपको जस्ट जावा स्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमें अगर आप विजुअल स्टूडियो को में आपको जिसमें आपको प्लगइन्स इसमें डालना पड़ता है उसके बारे में आपको बताया था। विजुअल स्टूडियो में आप बहुत आराम से आप कोडिंग कर सकते, तो अभी हम लोग इसके आगे का पार्ट हम कुछ कोडिंग का पार्ट वेबसाइट पे आप जो भी आप एक वेब पेज बनाते हो वहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके किस तरीके से वहाँ पे कंसोल पे कोडिंग किया जा सकता है कंसोल राइट। तो आज हम वहीं से आगे का पार्ट हम लोग चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैं छोटा सा एक फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट आपको क्रिएट कर, अगर लास्ट सेशन मिस किया होगा तो उनको ये चीज समझ उसमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन ए फोल्डर पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक मैंने JS2 करके एक फोल्डर क्रिएट कर दिया हूँ और सेलेक्ट फोल्डर करेंगे और आपके सामने कोई चीज करेगा, ठीक है। वेलकम वाले फाइल्स को यहाँ पे आप देख पाएंगे, प्लस सिंबल पे क्लिक करना है और आपको लेना है और इसमें HTML का पूरा पार्ट होता है, HTML का पार्ट है राइट। दूसरा जो मैंने आपको बताया था आप जावास्क्रिप्ट का कोडिंग आप सब कुछ कर एक्सटर्नल कैसे यूज करते हैं उसके बारे में भी मैं काम करना है, तो मैं उसके लिए बारे में आपको यहाँ पे बता दूं। आपको सिंपली ये करना होता है कि यहाँ पे फाइल क्रिएट कीजिए और इस पर्टिकुलर फाइल का नाम आप जो इंडेक्स ही दे देता हूँ लेकिन एक्सटेंशन .js देंगे, ये आ गया js यानी जावा का बना दिया, लेकिन आपको इसके साथ लिंक करना जरूरी हो। प्लेन किया था कि आप हेड के अंदर में भी और बॉडी के अंदर भी रख सकते हो, तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप बॉडी में बॉडी जो एंड हो रहा है बॉडी टैग जहां पे एंड हो रहा है, मैंने एक शॉर्टकट बताया था आई होप कि आप लोगों को याद हो, स्क्रिप्ट कोलन src जैसे आप एंटर करें राइट। और यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट कोलन src तो यहाँ पे जो डबल कोट है उसके अंदर में उस पर्टिकुलर पेज का नाम यस लिया हुआ है, उसका नाम क्या है index.js। तो इस तरीके से ये आपस में लिंक हो चुका है और अब है तो आपको इस बात पर ध्यान देना है क्या वाले फाइल को ही रन करना है, जेएस वाले फाइल अभी आप अगर फोकस फाइल है यही पे आपको नीचे गो लाइव आपको दिखेगा, आप जेएस वाले पेजेस पे भी अगर आप जाते हैं तो इसको रन नहीं करना है एचटीएमएल वाले पेज से, ठीक है। तो अगर आप नहीं होगा तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि आपको एचटीएमएल फाइल को रन करना है। यहाँ पे हम लोग आते हैं और जेएस के अंदर मैंने आपको कुछ कोडिंग लिखना होता है, तो कोडिंग को लिखने के लिए मैंने आपको लॉ के थ्रू आप कुछ भी मैसेज आप दे सकते हो, आप यहाँ पे हेलो वी आर लर्निंग जेएस है ना, कुछ इस तरीके से मैसेज दे दिया। यहाँ पे आएंगे पहले हम लोग यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे, क्लिक करेंगे गो लाइव बटन पे, क्लिक करने के बाद बैंक आ रहा है तो हम आउटपुट हमारा गया कहाँ पे है राइट क्लिक की टेक्स्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे कंसोल आया, आई होप कि सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है
और यहाँ पे एलिमेंट्स के जस्ट बाद आपको इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आपको दिनिंग जेएस को जिस तरीके से आपको यहाँ पे मैसेज आपको दिखा रहा है। हाँ, चीजें क्लियर यहाँ तक होगा जो लास्ट सेशन। चलिए तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर से एक मैसेज प्रिंट करना था, तो हमने मैसेज को तो प्रिंट कर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना होगा जिस तरीके से में यूज करते हो या पाइथन में यूज करते हो डॉट, तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल लॉजिक बना सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तौर पे एक वेरिएबल की जरूरत होती है, और अगर आप लोगों का मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर आप जावा बैकग्राउंड से हैं, अगर आप मेरा सेशन कहीं अटेंड आपको समझना और आसान होगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी किया है तो आप हर चीज़ को बेहतर तरीके से आप इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, फिर वॉइस क्लियर होगा सभी लोगों को। चलिए तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हमें समझना है जावा क्या कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। और वेरिएबल का मतलब सिंपली आप कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस टू 10, है ना। अगर आप मैथमेटिक्स में जब 8th 9th 10th में जब हम लोग मैथमेटिक्स सीखा कर होगा हमेशा हम लिखा करते थे ना लेट से जीवन राइट, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशंस को हम लोग सॉर्ट आउट करने की जैसे एक्स इक्वल्स टू 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ इस पर्टिकुलर लाइन में लिखा हुआ है क्या क्या है वो चीज के बाद इक्वल साइन है और फिर यहाँ पे एक्स है। 10 जो है ये क्या है, ये सिंपली आप बोलेंगे कि ये एक है जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और वैल्यू बोलना यहाँ पे जो इक्वल साइन होता है इसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं, और यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम कहते हैं। क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपसे अगर पूछा जाता है कि वेरिएबल होता क्या है तो आप सिंपल का मतलब क्या है कि मेमोरी लोकेशन जहां पे आप कुछ ना कुछ सिंपली अगर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि वेरिएबल इज यूज टू, है ना, या आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि राइट यानी नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो कुछ आप डिफाइन आप कर सकते हो दो अलग अलग चीजें, दोनों का काम वही चीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक इसमें मुझे कुछ स्टोर करना है, 10 स्टोर करना है, नाम स्टोर कर सकते हो, ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हो, तो उसके पर्टिकुलर वैल्यू जो भी आप स्टोर करना तो इसी जगह का जो नाम है इसी को हम नाम दे दिया, सपोज एक्स दे दिया, तो यही जो एक्स है वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम सर जो भी वैल्यू होगा, है ना, जैसे हमने 10 रखा, ये जो है ये इसका वैस के अंदर स्टोर है। तो एक्स क्या है, जस्ट एक मेमोरी नाम है और उसी के अंदर आप वैल्यू को आप स्टोर आप करते हैं। आई होप कि अभी जितना भी चीजें मैंने आपको बताया ये चीज समझ में आया होगा सर सभी लोग, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग डायरेक्टली मतलब इनका बैकग्राउंड नहीं है तो भी मैं उस तरीके से आपको दूसरी बात कि कुछ इस तरह बैकग्राउंड जिनका जावा भी जानते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं वो डिफरेंट होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, बहुत सारे वहां पे अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल है यहाँ पे राइट। तो क्या सब चीजें होगा और किस तरीके, तो अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ
कहाँ पे स्टोर आप करते हो उसको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना है ना। तो डेटा टाइप्स यहाँ पे क्या है और इस बारे में हम काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखिए डेटा टाइप का मतलब क्या, इसके नाम में ही डेफिनेशन है। ये क्या बताता है कि डेटा का जो अभी हमने 10 रखा या 20 या नाम कुछ किसी का नाम हो सकता, वैल्यू आप यूज करने वाले हो वो कौन से, उसी को हम वो बताने के लिए एक नया टर्म आता है दैट कंसेप्ट इज नोन एज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप क्या करता है, जस्ट वैल्यू कौन से टाइप करने वाले हो जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्राम डेटा टाइप हम यूज हम करते हैं, सिंपल सी कहानी है ठीक है। इसके नाम डेटा मीन्स क्या, वैल्यू का टाइप। डेटा टाइप है ये दो अलग अलग टाइप से होता है। सबसे पहले यहाँ पे होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, आप उसको नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हो, देन आप उसको क्या बोल सकते हैं, डिराइव्ड भी बोल सकते हो, डिराइव्ड डेटा टाइप बोल सकते हो, या आप नॉन प्रिमिटिव भी बोल, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, आप उसको रेफरेंस डेटा टाइप भी हम उसको बोलते हैं। नाम लिख देता हूँ ताकि अगर आपको इंटरव्यू में कुछ इस तरीके तो अलग अलग नाम है। और प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा, हुआ है इनबिल्ट है पहले से बना हुआ है और डिराइव खुद से बना सकते हो सब चीजें। तो ये दो अलग अलग टाइप, फिक्स्ड है आप उसमें अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस नहीं कर सकते हैं, अपने बनाया जा सकता है ठीक है। अब प्रिमिटिव के अंदर में क्या होते हैं उसके बारे में देखिए, इसके पास जो है प्रिमिटिव में क्या क्या सब चीजें होगा ठीक है। यहाँ पे उतना क्लासिफिकेशन नहीं होता जितना कि जावा वगैरह में होता है। यहाँ पे फाइल एक और यहाँ पे हम बना दे, एक और हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, तो क्या क्या होगा यहाँ पे राइट। डेटा टाइप गलत लिखा है क्या, करेक्ट तो है ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अब उतना आप समझ जाओ, आप लोग समझदार हैं कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो है हमारे पास दो टाइप के हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है आप लोग समझ जाओ ठीक है, और ये हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या चीजें आता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें ठीक है। इसमें सबसे ठीक है स्ट्रिंग, जिसमें आप नाम वगैरह काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं नंबर्स आता है ठीक है, और नंबर्स के बाद को भी रखेंगे और बुलियन का मतलब ट्रू करेंगे। इसके बाद एक होता है नल वैल्यू होता है, अनडिफाइंड एक और है होता है जो अभी बहुत रिसेंटली आया है, डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है। ये टाइप होता है तो जावा और C++ के कंपैरिजन में कम्प्लीटली यहाँ पे डिफरेंट है, बट कुछ कुछ आप बुलियन मिल जाएगा, नल भी मिल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ यहाँ पे आप जावा नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे हम सभी के बारे में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट हो जाता है प्रिमिटिव के अंदर में। नॉन प्रिमिटिव की अगर हम क्या क्या आ जाएगा इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन कर दूँ, कितना हो आप लोग और अच्छी तरीके से आंसर आप कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं एरे आता है, इसमें आप पर्सनल्स भी आता है, इसमें ये सब काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस के बारे में भी एक डिफरेंट टॉपिक
ठीक है, डेट्स है ना, तो इतने सारे चीज, थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं सभी चीज़ कैसे नाम आपको बताया, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो गया कि यहाँ पे होता है, राइट। अब हम वन बाय वन सभी नॉन प्रिमिटिव जो है इसके बारे में हम बहुत आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम इसके बारे में जरूर आपको बताएंगे कि क्या सब चीज़ें होता है। इसको पहले आपके लिए सेव कर देता हूँ। और सबसे पहले मैंने आपको बताया वो क्या बताया, प्रिमिटिव जो हमारे पास में है, सबसे फर्स्ट वन जो मैंने आपको क्या बताया, तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग जब भी आप यूज करते हैं तो स्ट्रिंग का मतलब क्या, आप इसको तो किस तरीके से आप डिफाइन आप कर सकते हैं। आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर होगा। ओके, क्लियर है क्या? तो स्ट्रिंग का मतलब हम लोग यहाँ पे आपको बताएं तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इसका मतलब क्या होगा। जैसे अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ इंडिया, ठीक है, तो इंडिया एक स्ट्रिंग आप बोलेंगे, लेकिन अगर सेपरेटली अगर देखा जाए तो आई है, इसके अंदर एन है, डी है और ए है, राइट। तो सेपरेटली आई क्या है, है ना, तो ये एक कैरेक्टर है, एन एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, डी इंडिविजुअल कैरेक्टर है, लेकिन दिया जाए है ना सभी को एक साथ है, अगर लिख वो क्या हो जाएगा, वो एक स्ट्रिंग बन जाता, स्ट्रिंग हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अभी मेरी वॉइस क्लियर है क्या? अभी क्लियर है, ठीक है। इस चीज को आप समझ पाएंगे कि स्ट्रिंग का मतलब जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हो, कंट्री का नाम, कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हो। तो लिख बताया गया है वो कि आपको जो कुछ भी आप लिखेंगे, सिंगल कोट के अंदर में भी यहाँ पे लिख सकते हो आप, और नहीं यहाँ पे खास कर, अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखता हूँ तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, और आप चाहें तो इसको डबल कोट करते हैं, तो इस टाइप से हम इसको लिखेंगे, एक ये काम करेगा, ठीक है, क्लियर है। स्ट्रिंग का पार्ट मैंने सिंपली बताया, स्ट्रिंग एक प्रिस्क्रिप्ट में, स्ट्रिंग का मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर, अगर आप इन या लिखते इंडिविजुअल कैरेक्टर है लेकिन सभी को एक साथ अगर आप मिला दो होता है, और यहाँ पे सिंगल कोट में लिख सकते हो आप, और डबलम नहीं है, अगर आप जावा बैकग्राउंड से अगर आते हैं तो होल कोड में लिख दो तो वो कैरेक्टर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रूल का कुछ भी आप रख सकते हो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे डबल कोड में स्ट्रिंग की तरह काम करेगा, इस चीज को आपको समझना है कि आप कुछ भी लिख सकते हो बट इनसाइड डबल कोट है, दैट मींस इट इज अ स्ट्रिंग। कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा अल्फाबेट या वो स्ट्रिंग के अंदर में, नहीं, आप फाइव भी लिख सकते, अगर वो नंबर डबल कोट के अंदर है या सिंगल कोट के अंदर है, यहां तक समझने में क्या है, ऑल क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, और क्लियर है यहाँ तक? अभी मुझे
ओके। एक सेकंड का पॉज। आई होप कि अभी क्लियर होगा। अभी मेरी वॉइस क्लियर है? देखिए मैं एक बार रिपीट कर दूं, कुछ भी लोगों को मेरी वॉइस कब होगा। देखिए मैंने सिंपली ये बताया अभी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में हमारे पास एक है स्ट्रिंग। फर्स्ट मतलब मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स आप हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है या नंबर भी आप लिख सकते हो, सिंबल भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होना जरूरी है। कुछ भी आप लिखो जैसे हो तो वो एज स्ट्रिंग ही ट्रीट किया जाएगा। जावा क्लियर होगा सभी लोगों को? ओके है यहाँ पे। तो ये हमारा ये सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है। अब बात करते हैं कि सेकंड जो टाइप है, सेकंड वाला जो टाइप हमारे पास वो क्या है? वो हमारे पास में है नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में क्या होता है? नंबर हो आप, ठीक है, आप 10 लिख सकते हो, तो पॉइंट में भी आप लिख सकते हो। इसमें कुछ भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे यहाँ पे फ्लोट के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए इसमें इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई इशू यहाँ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सभी को आप तो यहाँ पे नंबर्स के अंदर ही आपको लिखना है। जावा या किसी सी सी प्लस प्लस की तरह ऐसे डबल है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नंबर्स का मतलब पूरा पे लिखने के लिए निगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव में भी आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन लिखने का तरीका ये है जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग में डबल कोट कंपलसरी होता है। लिखा मैंने क्या x = 10 ऐसा लिखा तो राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या एक्स इक्वल्स, तो ये स्ट्रिंग की तरह काम करेगा बस। तो ये जो है यहाँ पे अगर पे 10 है, दोनों में डिफरेंस है, ये 10 यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे जो ये 10 है ये नंबर। डिफरेंस आपको समझ में आया होगा स्ट्रिंग एंड नंबर में। यहाँ तक पहले ठीक है, तो ये पार्ट को आपके लिए हम सेव कर लेते हैं। ओके होगा यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं और नेक्स्ट पार्ट हमारा है कौन सा? बूलियन। बूलियन में क्या होता है? सिंपली इसमें होता है क्या, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। तो लेना जरूरी है, कैपिटल में नहीं होता है, इस बात पे आप को ध्यान होगा। ये सब चीजें हम आगे प्रैक्टिकली जब बताएंगे तो और ज्यादा बेहतर। दूसरी बात यहाँ पे जो है अनडिफाइंड के बारे में भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं कि अनडिफाइंड क्या होता है। अगर आप मान लो कि कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, जैसे एक्स वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम यहाँ पे कैसे हम करेंगे? वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया है, मान लो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता ही देते हो, तो उसको हम अनडिफाइंड हम कहते हैं। जैसे मान x इक्वल्स टू 10, तो आपको पता है कि 10 एक नंबर है, में 10 लिखा तो आपको ये पता है ये स्ट्रिंग हो चुका है। लेकिन आप सिर्फ वैल्यू आप नहीं देते हो तो वहां पे क्या होगा? समझ में आया? ये कैसे होगा ये प्रैक्टिकली भी मैं भी आपको करके समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकली, तो आप ज्यादा बेहतर। जैसे कि जावास्क्रिप्ट पे कोड हमें यहाँ पे करने आपको यहाँ पे बनाया है, इसी पे आपको करना है ये वाला पार्ट पे। यहाँ से मीडियम कोड लिखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे लिखते हो x इक्वल्स टू हम 10 अगर आप लिखते हो इस तरीके से, एक डिक्लेरेशन किया जाता है कि वेरिएबल अगर आप लिख रहे हो तो वेरिएबल करेंगे राइट। तो और किस तरीके से यूज
किया जाता है वो थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। देखिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक होता है वेर, एक होता है लेट, और कॉन्स्टेंट भी इसको हम कहते हैं। ये तीन तरीके से वेरिएबल, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेर एक्स, तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि एक्स जो है एक वेरिएबल को डिनोट करता है, कि एक्स इज अ वेरिएबल, कुछ इस तरीके से आपको समझना है बस, राइट आप कर सकते हैं। दूसरा है क्या कि इस वेर को अगर आप नहीं लेट भी यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग है, दोनों सब कर सकते हो, ये भी ओके है, ठीक है। यानी वेरिएबल को यहाँ पे वेर यूज करना होगा, या तो हम लेट यूज करेंगे, ये यूज करूं तो आप ये भी आप यूज अप कर सकते हो। तीनों का मीनिंग अलग अलग है, कैसे अलग अलग है उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा सा डिटेल। तो ये चीज आपको क्लियर है कि वेरिएबल का नाम लिखने से पहले यूज करना होगा, लेट कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कब वेर यूज करना है, कब एल ना है, इसके बारे में अभी हम लोग इसके बारे में काफी डिटेल, मैं अपनी मर्जी से नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ ये, और सब हुई पहले जैसे हम कुछ भी लिखते हैं। तो अब ये तीनों में क्या डिफरेंस यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर मैंने लिखा वेर में मैंने एक वैल्यू दे दिया 10 और सेमी कॉलन जरूर एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ये लाइन पर्टिकुलर लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेम उसी तरीके से सेमी कॉलन का मतलब ये लाइन हमारा कंप्लीट जो चुके आते हैं, और इसको अगर मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग लिखो और यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखते हो, आप एक्स लिखते हो तो एक्स के पास कौन सी वैल्यू है, एक्स के पास करता हूँ और आउटपुट स्क्रीन पे चल के देखें कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। आप अगर आउटपुट स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे अभी आप लोगों को, 10 आपको दिखा रहा है, यहाँ पे मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, एलिमेंट्स पे नहीं जाना है, कंसोल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 10 आपको दिख रहा होगा सभी लोगों को, प्लीज मुझे कंफर्म। जूम से जो लोग देख रहे हैं बहुत कम रिश आ रहा है या मेरी बात अभी, तो आई थिंक मेरा प्रॉपर तरीके से ना? तो ये 10 यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको तरीके से हम यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज बताऊ, अच्छा, और यहाँ पे जो भी मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं सेव करते जाऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे। ये फर्स्ट प्रोग्राम को मैंने कुछ चीज पर क्या, अब देखिए आप ये हो गया क्या, लेकिन अगर आपको ये चेक करना है कि ये जो 10 है, मैंने आपको क्या बताया कि 10 कौन से टाइप का डेटा टाइप है, 10 कौन से टाइप का मैंने आपको बताया, नंबर्स टाइप होगा, मैंने नंबर के बारे में बताया कि नंबर टाइप होगा, कि ये कैसे हम चेक करेंगे कि एग्जैक्टली कौन से टाइप का, के अंदर ही आप कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो क्या, टाइप ऑफ ऑफ कुछ इस तरीके से ऑफ एक्स है ना। तो अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूं कि डबल कोट के अंदर अगर आप जो कुछ भी लिखा कि डेटा टाइप ऑफ एज कॉन्केट करते हुए कुछ इस तरीके से हम लोग लिख देंगे क्या, ब्रैकेट के अंदर एक्स और यहां पे कुछ इस तरीके से क्लोज। टाइप ऑफ है ये इनबिल्ट है और एक्स क्या है, एक्स इसको अगर हम सेव करते हैं, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको बता रहा है n is यहाँ पे है, नंबर आपको बता रहा है और नंबर टाइप है यहाँ पे, क्लियर होगा, यस और नो प्लीज मुझे बताएं। चेकआउट कर सकते हो कि वो कौन से टाइप का उसका डेटा से, यहाँ पे इसको मैं आपके लिए सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ये 10th। और अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मान लो
की में मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, ठीक है। अब आप बाकी सब वेयर सब कुछ उसी तरीके से, सिर्फ जो वैल्यू है। और अब अगर आप यहाँ पे आके आप देखो, ये बंदों को दिख रहा होगा राइट, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख पाएंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग आपको दिखा रहा है, अच्छा मैंने दिखा दूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा क्या, कि अगर मैंने यहाँ पे 10 ही था लेकिन डबल कोट में नहीं था, अब ये डबल कोट सेव करता हूँ और फिर से आउटपुट देखो, अभी भी आपको क्या दिखा रहा है राइट। तो वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डबल कोट की किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ अगर आप इतना ही लिखते हो तो सिर्फ वहां पे बताएगा कि स्ट्रिंग है या नंबर, एक मैसेज में डाल दे कि क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको चेकआउट आप कर सकते हो कि डेटा टाइप अगर आपको चेक करना होगा तो किसी तरीके से। अगर मैंने यहाँ पे अच्छा देखो आप सिंगल कोट भी आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग के लिए, मैंने यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर में कुछ लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे वही लिखता हूँ इंडिया लिख और सेमी कॉलम दे दिया और यहाँ पे पास ही वैल्यू है, ठीक है। अभी आप देखो आउटपुट है यहाँ पे सिंगल कोट में भी अगर है यहाँ पे तो भी वो क्या बताएगा, स्ट्रिंग ही को डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो सभी स्ट्रिंग, उसमें आप नंबर स्टोर करो या तो आप उसमें कोई फिगर होगा। अब सेम उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टू लिखा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक करके देखो बुलियन बता रहा है, चेकआउट करवा रहा हूँ कि आप कैसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ट्रू फॉल्स अगर है तो ये बुलियन के अंदर यहाँ पे अच्छा। अब देखो आप अगर यहाँ पे वेर एक्स में वैल्यू ही नहीं दे रहा हूं, जस्ट हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर कुछ भी वैल्यू में नहीं दे रहा हूं, ना मैंने नंबर दिया, कुछ भी नहीं लिखा, और अब देखो ये क्या बता रहा है टाइप, तो यहाँ पे क्या बताना चाहिए, अनडिफाइंड राइट, इधर ही आता है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो यहां दिखा रहा है तो अनडिफाइंड का मतलब अभी आप को सब डिक्लेयर किया बट आपने उसमें कोई वैल्यू को स्टोर नहीं किया है के अंदर में आ जाता है, क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज अगर यहां तक समझ में आ रही, जो वेयर मैंने बताया, लेकिन हमने भी आपको बताया कि कांस्टेंट भी हम यूज करते हैं, प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि हम लेट भी यूज कर, इस चीज को समझिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे कि मान लीजिए कि वेर मैंने यहाँ पे दे दिया है 10, ठीक है, तो आप समझ में आ चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ और आप बताएंगे अगर x की वैल्यू 10 है और मैं यहाँ पे x को आएगा आउटपुट क्या दिखाएगा, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे बिल्कुल 10 दिखाएगा। अभी आउटपुट यहाँ पे आप 10 आप देख पाओगे, 10 जो हमें यहाँ पे दिखा जो रहा है ये जस्ट 10 दिखा रहा है, किसकी नहीं आ रहा है। तो आप चाहते हो कि नहीं, मैं चाहता हूं क्या कितना हो, कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज ऐसा करके लिख, एक्स के पहले डबल कोट लिख दो, डबल कोट के अंदर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, तो डबल कोट के अंदर आप इस कंसोल डॉट लॉग के भी लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है और एक्स की जगह पे एक्स के पास जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। लेकिन इसका मैसेज भी देना चाहते हो और उसके वैल्यू को भी प्रिंट करना तो प्लस सिंबल यूज करना होता है जिसको कॉनकेटेनेशन कहते हैं, वो कॉनकेट होगा एक्स के वैल्यू से और फिर आपको मैसेज प्रिंट को आएगा यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एको, एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये एक मैसेज है जो भी खा सकते हो और x की जगह पे x की वैल्यू, तो बस इतना सा आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो जस्ट वेरिएबल का नाम लिख दो,
लेकिन मैसेज के साथ अगर आप दिखाना चाहते हो ना कंपलसरी होगा, अगर नहीं डालेंगे तो आपको एरर दिखाए। बात करते हैं तो वेरिएबल अगर आप ऐसे लिखते हो, अगर मान लो अब मैंने क्या किया इक्वल्स टू मैंने लिख दिया कि ना प्लस टू लिखा है राइट, अगर मैं प्रिंट करता हूं तो आंसर हमें कितना आना चाहिए? ऐड हो गया, यानी पहले का जो भी इनिशियल वैल्यू मैंने दिया और वो चेंज होके ही आपको यहाँ पे क्या किया? और यहाँ पे कुछ इस तरीके से 10 प्लस आपको प्रिंट कर रहा है। तो जब भी आप वेर यूज कर चेंज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, जहां पे आपकी मर्जी है आप चेंज कर। अब हम लिखते हैं वेर का मतलब क्या, ये ग्लोबल वेरिएबल को ऊपर जाके ऐसे करके लिख देता हूँ कमेंट करके कि यहाँ पे वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करता है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और ये आपके लिए मैं सेव कर देता हूँ। लेकिन अगर स्टेंट अगर मैं यूज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये हटा दिया और वेर की जगह पे ये लगा दिया कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट एक्स इक्वल टू 10, तो ये अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कॉन्स्टेंट एक्स की वैल्यू। तो ये प्रॉपर तरीके से आंसर आपको 10 यहाँ पे दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हो कि जैसे पहले की तरह मैंने किया था एक्स इक्वल टू, तो वहां पे आपने देखा था कि आउटपुट आपको 12 दिखा रहा था, तो देखो आपको एरर दिखा रहा है अनकॉट टाइप कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ये बता रहा है क्या कि आप में जो इंस्टेंट रहो वैल्यू को उसको उसमें जो भी वैल्यू देते हो कॉन्स्टेंट का है। तो अभी आपको ये चीज आपको डिफरेंस समझ में आप कॉन्स्टेंट कब यूज करेंगे। आज जैसे आप कोई भी एक प्रोग्राम आप चाहते हो कि ये जो एक्स है इसमें आप जो थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए ये, तो आप वहां पे वेर यूज नहीं करेंगे। वहां देखो ऐसा लगता है कि अगर ये वेरिएबल का जो वैल्यूमेंट के अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं इसलिए उस वक्त हम वेर हम यूज हम करेंगे। आई होसो नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। तो ये जो आप चेंजेस यहाँ कर दिखाएगा मैं आपके लिए कुछ इस तरीके से करके सेव कर देता हूं। तो भी कॉन्स्टेंट वेल के अंदर जो भी आप वैल्यू देते हैं वो फिक्स हो जाएगा और नहीं कर सकते हैं, बट वेर के अंदर अगर आप लिखते हो तो वो चेंज राइट कुछ इस तरीके से सेम आप देना चाहोगे तो आप नहीं लेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉन्स्टेंट के बाद, यहां तक ओके है। कॉन्स्टेंट एक्स है मान लो कि चलो यहाँ की वेर रखता हूँ वेर में और सिंपल यहाँ पे 10 है और एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यानी अभी आपको 10 यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं लेट का है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर आते हो तब आप यूज करेंगे लेट की ओर। मतलब क्या ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया और इस तो आप लेट यूज कीजिए लेट और वेरिएबल का नाम मिस रखा एक्स की वैल्यू यहां पे मैंने दे दिया 50। कुछ कंसोल डॉट लॉग पे मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं कि इनसाइड ब्लॉक है ना द वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड ब्लॉक, समझ में आ रहा होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसलिए मैं इस ब्लॉक बोल रहा हूं है ना कि द वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड ब्लॉक इज, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे जो सबसे पहले ऊपर वाला देखोगे ये नॉर्मल है, जस्ट हमने यहां पे क्या लिखा एक्स लिखा है, तो ऊपर वाले में 10 प्रिंट होना के अंदर यानी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए। ये तो बाहर था वो 10 आया और जो ब्लॉक के अंदर था
उसकी इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि आप लोकल है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है, इसका यूज लेटर आप इसका यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ही हो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, यानी हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये क्या हो जाएगा लोकल वेरिएबल, कि आप इसको सिर्फ इसी ब्लॉक करने के लिए दो बार स्लैश लिख दो तो कमेंट हो जाता है। अच्छा अब अगर इसी स्टेटमेंट को मैं फिर से इस ब्लॉक के यहाँ पे बताओगे यहाँ पे कौन सा वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, 10 स्टेटमेंट पे सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं सभी और जिनको थोड़ा भी अगर डाउट है यहाँ पे कौन सा वैल्यू आना चाहिए नीचे वाले स्टेटमेंट यानी लाइन नंबर पे क्या आना चाहिए, बिल्कुल सही है आप लोग बता रहे हैं, यहाँ पे एक मैसेज मैंने नहीं किया क्या, यहाँ पे आप देखो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 आपको दिखा रहा है, ठीक हो, आप ये कंसोल का एक चीज आप यहाँ पे ये भी समझो है ये जो आउटपुट आया है वो कौन से लाइन में इसका कोड लिखा गया है, देखो वो भी बता रहा है कि index.js के अंदर ये जो है आप देख रहे हो 10 ये लाइन नंबर बता रहा है कि ये लाइन नंबर में जो आपने कोड लिखा है उस लाइन नंबर 7 में यानी इस फाइल में यानी इंडेक्स में जो आपने कोड लिखा है उसका आउटपुट ये है, समझ में आ रहा होगा। तो अभी आपको ये तीनों जो कीवर्ड है आपको समझ में आया होगा कि वेर कब यूज करना है और कांस्टेंट कब यूज करेंगे, ये तीन कीवर्ड आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया तो आप आराम से हर चीज को आप बेहतर तरीके से आप इस चीज को आप